अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दुनिया की बातों को ना अपने दिल से लगाना छोड़ दो आप। दुनिया की बातों की परवाह नहीं है हमें सुनना, हमें तो हमारे अपने ही हमारे दिल को दुखा रहे हैं बेटा। अब तो शायद दुनिया की डर से बाबू साहेब ने भी हमसे मुंह फेर लिया है। पता सुन, आज इतने सालों में पहली बार हमें ऐसा लगा कि अगर उनका बस चले ना तो हम भूल जाएंगे कि वो हमसे कभी प्रेम करते थे। हाँ, ऐसा हमारी वजह से हो रहा है। अगर हम नहीं होते तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हम आपके जीवन से दूर चले जाएंगे तो सब चुप। कितनी बार समझाए, ऐसी बातें मत किया कर। इतने सालों से सबकी नजरों से बचाकर तुझे ही लिए पाले पोसे कि बस तू एक दिन ऐसे चली जाए। माँ, किस्मत ने खेल हमारे साथ ही क्यों खेला है? क्यों मैं इस अभिशाप के साथ पैदा किया जिसकी वजह से आप भी भुगत रही हूँ? माँ, क्यों? ये झमाझम ड्रेस पहन के हम पूरे मुंगेर का पसीना छिटवा रहे और तुम होगी मुंह बना रही हो काहे से? क्यों, जो नमन सिंह है ना, वो तुमको छोड़कर उस सुनैना पे लट्टू हो गया था, याद है ना तुमको? बिटिया, अगर तुमको नमन सिंह को पटाना है ना तो पटाखा बन के नहीं। पाक साफ और सादगी का मूर्त बनकर बताना होगा। पूछी पर मम्मी, हमारे पास सीधा साधा और सादगी वाला तो कपड़ा है ही नहीं। तुम्हारा फोन नहीं चेक कर रहे, और भी काम है हमको। पंकजा, क्या हुआ, तुम हमारे कपड़े क्यों निकाल रही हो? अगर बता दिए कि इसका ड्रेस पहन के हम नमन को पटाने जा रहे हैं तो पुदीने के पेड़ पे चढ़ जाएगी वो। अब तुमको तो बस इसी कमरे के अंदर रहना है ना, तो इतने सारे कपड़ों का क्या करोगी? दो चार तो बहुत है तुम्हारे लिए। बाकी सारे कपड़े हम भिखारियों में दान करके थोड़ा पुण्य कमा लेंगे। हमारा मतलब तुम्हारे लिए पुण्य कमा लेंगे, तुम्हें जरूरत है ना? वैसे कैसे लग रहे हम? तमन जी ने बुलाए, उन्हीं से मिलने के लिए रेडी हुए। नमन जी ने बुलाया, लेकिन क्यों? वो करने जो वो तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। हमारा मतलब है तुम्हारा सच जानने के बाद वो तुमसे तो नहीं बतियाएगा ना, तो अपना दिल हल्का करने के लिए अपनी सानी श्यानी आधी घरवाली को बुलाया है। वैसे तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है? अब तुमसे शादी करके जो गलती किया है उसकी सजा हमेशा थोड़ी ना भुगतेगा।
कभी तो लाइफ में मूव ऑन करेगा ना किसी लड़की के साथ। तो वो लड़की तुम्हारी बहन ही सही है। एक बार अपनी बहन का घर तोड़कर महापाप कर चुकी हो, इस बार उसका घर बसाकर थोड़ा पुण्य कमा लो, शायद तुम्हारी अभिशापित जिंदगी थोड़ी सुधर जाए। तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। अच्छा, हमको लेट हो रहा है, ये कपड़े भी तो भिखारियों में दान करने हैं। मंजी ने बोला है। सही जगह लगा है निशाना, जल भूनकर राख हो गई होगी किन्नर। सुने ना, तो क्या हुआ, हमें देखकर खुश नहीं हुए? वैसे कैसे लग रहे हम? तुम यहां क्यों आई हो? क्यों मतलब? मिलने नहीं आ सकते? आपके लिए चॉकलेट केक लाए हैं, चॉकलेट ट्रफल। चॉकलेट ट्रफल? सुनैना ने बताया होगा कि, क्योंकि उसे पता है कि मेरा फेवरेट है। हमने गेस किया था क्योंकि हमारा भी फेवरेट है। वैसे देखिए ना, हम दोनों की पसंद कितनी मिलती है। हम तो आपका मूड ठीक करने आए थे। हम समझते हैं कि आपके और सुनैना के बीच में जो हुआ वो क्या हुआ? मेरे और सुनैना के बीच में क्या हुआ? कुछ नहीं, हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है। नमन, हमारा मतलब है जीजू, कम से कम हमसे तो झूठ मत बोलिए। चलिए साली ना सही, कम से कम इसी नाते सच बोल दीजिए कि कभी मंडप में छोड़ के गए थे आप हमें। कुछ कहने बोलने के लिए है नहीं पंकज। थैंक यू फॉर द केक। मुझे लगता है कि अब तुम्हें जाना चाहिए। हमें तो भगा देंगे नमन जी, लेकिन आपके और सुनैना के बीच जो प्रॉब्लम चल रही है उससे कब तक भागेंगे, कहां तक भागेंगे? अगर सब कुछ ठीक है तो राजकुमारी आंटी आधी रात को सुनैना को मायके क्यों छोड़ गई? आज भी झूठ बोल रहे, जैसे उस दिन बाइक पर बोला था। सच सच बताइए, आपके और सुनैना के बीच सुहागरात नहीं हुई ना?
कहीं यही कारण तो नहीं आप दोनों के बीच कलेश का? शर्म आनी चाहिए अपनी बहन और अपनी चीजों के बीच की इंटीमेट बातों को पूछते हुए। एक बात भूलना मत कि तुम सुनैना की बहन हो और मेरी साली हो, इसलिए बड़ी इज्जत और रेस्पेक्ट के साथ तुमसे कह रहा हूं कि यहां से जाओ। और हां, रही बात हम दोनों के बीच की प्रॉब्लम की, तो इस दुनिया में छोटे मोटे झगड़े हर पति और पत्नी के बीच में होते हैं। किसी भी रिश्ते की शुरुआत करने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ा वक्त देना पड़ता है, और हम दोनों एक दूसरे को वक्त दे रहे हैं। आई लव सुनैना, और सुनैना जैसी लड़की मुझे मिल नहीं सकती। तुम तो हमसे भी बड़े कलाकार, जानते हुए भी कि सुनैना लड़की नहीं है, हमारी आंख में आंख डालकर कह रहे हो कि उससे अच्छी लड़की तुम्हें मिल नहीं सकती। मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्द सुनैना मेरे पास वापस आ जाएगी। Once again, thanks for the cake. आईना रूप ने हकीकत भी दिखाए। शाम 6:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।